कि भारत देश में गो हत्या निषेध के लिए एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ था सन 1870 में, और इस आंदोलन का इतिहास अंग्रेजों ने दबा के रखा अभी तक अंग्रेजों ने इस आंदोलन का इतिहास दबा के रखा, और हमारे इतिहासकारों ने भी इस बात पर ज्यादा शोध नहीं किया। सन 1870 से लेकर 1894 तक माने 24 साल इस देश में गो हत्या निषेध का जबरदस्त आंदोलन था, और अंग्रेजों की खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंग्रेजों के खुफिया अधिकारी का यह कहना था कि 1857 का आंदोलन जितना बड़ा था उससे कई गुना बड़ा यह गो हत्या निषेध का आंदोलन था जो 1870 में शुरू हुआ और 1894 तक चला। बहुत गर्व से, बहुत गौरव से मुझे ये कहना है कि इस आंदोलन की शुरुआत आर्य समाज के लोगों ने की थी, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने की थी। आप जानते हैं परम पूजनीय महर्षि दयानंद की शिक्षाओं से प्रेरित और प्रभावित होकर बहुत सारे युवक आजादी के आंदोलन में कूदे थे। परम पूजनीय महर्षि दयानंद से ही प्रभावित होकर बहुत सारे युवक गोरक्षा आंदोलन में और गो हत्या निषेध के आंदोलन में 1870 में कूदे थे। आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में हुई, लेकिन आर्य समाज की नींव परम पूजनीय स्वामी दयानंद के कार्यों से पहले ही पड़ चुकी थी। तो 1870 में यह आंदोलन शुरू हुआ। आज जिस स्थान पर हरियाणा है, पहले यह पंजाब हुआ करता था, हरियाणा आजादी के बाद बना है, इस इलाके से यह आंदोलन शुरू हुआ, और अंग्रेजों की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि सबसे पहले यह आंदोलन जींद से शुरू हुआ था। जींद एक बड़ी रियासत हुआ करती थी उस जमाने में, वहां से गोरक्षा आंदोलन 1870 में शुरू हुआ। गोरक्षा सभा बनाई गई थी जींद में, उसमें कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि गाय को कटने नहीं देंगे और जो अंग्रेज गाय काटेगा उस अंग्रेज को हम काटेंगे। ऐसे करके आंदोलन फैला। जींद एक छोटे से स्थान से शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल गया। 1894 तक आते आते 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता इस गोरक्षा आंदोलन में शामिल हो गए। 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता पूरे देश में, और इन कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कत्लखाने बंद कराना शुरू कर दिया। और ये कत्लखाने बंद कराने का काम कैसे किया करते थे, अंग्रेजों के कत्लखाने जो चला करते थे उनके सामने जाकर ये लेट जाते थे, और जो गाड़ियां पशुओं को भर के ले जाती थी उनके सामने ये कार्यकर्ता लेट जाते थे और कहते थे हमारे ऊपर से लेके जाओ तब ये पशुओं का कत्ल होगा, हम पहले मरेंगे बाद में ये पशु कटेंगे। इतना जबरदस्त आंदोलन था। परिणाम ये होने लगा कि जगह जगह अंग्रेजों को कत्ल करने के लिए जानवर मिलना बंद हो गए। इन 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने गांव गांव के किसानों को समझाना शुरू किया कि अंग्रेज तो गाय काटते हैं, हम तो गाय पालते हैं, हम गाय बेचेंगे नहीं अंग्रेजों को, गाय देंगे नहीं अंग्रेजों को, तो अंग्रेज काटेंगे कैसे। इस तरह से यह आंदोलन बढ़ा। अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। जब जगह जगह कत्लखानों को गाय मिलना बंद हो गई तो गाय का मांस खाना अंग्रेजों को तो बहुत आवश्यक था, बिना गाय का मांस खाए वो 1 दिन भी रह नहीं सकते थे, तो अंग्रेजी सेना में विद्रोह की स्थिति आ गई और अंग्रेजी सैनिकों ने कहा कि गाय का मांस नहीं मिलेगा तो हम बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे। अब अंग्रेजी सरकार के लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। ये गोरक्षा आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता गाय मिलने नहीं दे रहे थे कटने को, और अंग्रेजी सैनिक गाय का मांस ना मिले तो बगावत करने को तैयार। तो अंग्रेजों की महारानी ने एक हस्तक्षेप किया, विक्टोरिया ने लैंसडाउन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को पत्र लिखा। लैंसडाउन उस समय गवर्नर जनरल था। 1894 के आसपास वो पत्र इसके पास आया और उस विक्टोरिया ने उस पत्र में लिखा कि ये जो गाय भारत में कटती है ये तो हमारे लिए ही कटती है, ये बात तो सही है, क्योंकि भारतवासी तो गाय का मांस खाना पसंद करते नहीं है। आप इस बात पर ध्यान देना, विक्टोरिया खुद लिख रही है इस बात को। वो कह रही है कि गाय भारत में कटती है वो तो हमारे लिए कटती है, भारतवासी गाय खाना पसंद नहीं करते हैं। और वो कहती है कि भारत के मुसलमान भी गाय खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज सब हिंदू थे और हिंदुओं ने गाय के मांस को खाना कभी स्वीकार किया नहीं, इसलिए भारत के मुसलमान भी गाय खाना पसंद नहीं करते। उस पत्र में एक एनेक्सर लगा हुआ है जिसमें एक वाक्य है, विक्टोरिया लैंसडाउन को लिख रही है कि मुझे जानकारी मिली है कि कभी किसी मुस्लिम भाई के घर में गलती से गाय का मांस आ गया और जिस बर्तन में वो रख गया और उस मुस्लिम भाई को पता चल गया कि ये गाय का मांस था, तो वो मुस्लिम परिवार उस बर्तन को हमेशा के लिए घर के बाहर फेंक देता है, वो मानते हैं कि ये गलती हुई है, ये भूल हुई है।
तो विक्टोरिया लिख रही है पत्र में कि ना तो भारत के मुसलमान गाय का मांस खा रहे हैं, ना हिंदू खा सकते हैं, गाय कट रही है तो अंग्रेजों के लिए कट रही है। अब गोरक्षा आंदोलन जो चल पड़ा है पूरे भारत में, हमको गाय मिलना बंद हो गई है, हमारे कत्ल खाने बंद हो रहे हैं, तो इसका अब एक ही उपाय है। लैंसडाउन को वो कह रही है चिट्ठी में, इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? लैंसडाउन को वो कह रही है तुम ऐसा करो कि भारत के जो कत्ल खाने अंग्रेजों के लिए चल रहे हैं और मांस अंग्रेजों के लिए पैदा हो रहा है, इन कत्ल खानों में गाय का कत्ल करने के लिए मुसलमानों की भर्ती करो। इस पे ध्यान दीजिएगा वाक्य पे, वो कहती है मुसलमानों की भर्ती करो। इसका माने गाय काटने का काम मुसलमान नहीं, उन कत्ल खानों में अंग्रेज ही करते रहे होंगे, तो अंग्रेजों को हटाकर मुसलमानों की भर्ती करो और हिंदुओं को यह बताओ भारत में कि तुम्हारी गाय मुसलमान काट रहे हैं। तो ये हिंदू और मुसलमान जो मिलकर गोरक्षा के आंदोलन में लड़ रहे हैं, ये आपस में लड़ने लगेंगे और हमारा रास्ता खुल जाएगा और हमारी नीति डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, सफल हो जाएगी और हमारी सेना में भी बगावत नहीं होगी और हमारे सेना के लोगों को मांस भी मिलता रहेगा, कत्ल खाने भी चलते रहेंगे। ये पत्र लिखा उसने लैंसडाउन को। लैंसडाउन ने पत्र पढ़ा, उसने फिर मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के उसने आदेश दिया कि जितने सरकारी कत्ल खाने हैं उनमें मुसलमानों की भर्ती की जाए। तो मुसलमानों में से कोई तैयार ही नहीं हुआ भर्ती के लिए, कोई आया ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि ढूंढो कोई तो मुसलमानों में जाति समूह होगा जिसको हम इस काम में लगा सकें। तो कुरैशी जाति समूह के मुसलमानों को प्रताड़ित करके, अत्याचार करके, मार पीट के अंग्रेजों ने गाय के कत्ल के काम में लगाया और उनको इतना प्रताड़ित करते थे कि गाय काटो गाय काटो। फिर होता क्या था कि ये गाय काटते थे कुरैशी समाज के लोग अंग्रेजों के दबाव में आकर, फिर अंग्रेज इसको पूरे देश में प्रचारित करते थे हिंदुओं के बीच में कि देखो तुम्हारी गाय तो मुसलमान काट रहे हैं। तो 1870 से 1894 तक जो आंदोलन चला गोरक्षा का, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ मिलकर गाय को बचाने के लिए लड़ रहे थे, आपको सुनकर ताज्जुब होगा जींद की जो गोरक्षा समिति 1870 में बनी उसमें 11 हिंदू थे और 7 मुसलमान थे, 18 लोगों की समिति थी। हर जगह गोरक्षा की समिति में हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर काम कर रहे थे। विक्टोरिया ने लैंसडाउन को आदेश देकर मुसलमानों से जबरदस्ती गाय कटवाकर कुरैशी समाज के लोगों को दबाव डालकर एक घृणित काम शुरू किया और सारे देश में यह लहर फैल गई। हिंदू और मुसलमान जो मिलकर गाय को बचा रहे थे, विक्टोरिया की इस पत्र के बाद की जो नीति बनी उसमें हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे। मुसलमानों के बीच में प्रचार किया गया कि कुरैशी को बहिष्कार करो क्योंकि ये गाय काट रहे हैं, हिंदुओं में प्रचार किया कि कुरैशियों को मारो पीटो क्योंकि तुम्हारी गाय काट रहे हैं, और अंग्रेज पूरे सुरक्षित हो गए। 1894 से ये नीति बनी और 1897 में इस नीति ने पूरे देश में एक विस्फोट कर दिया। और पहली बार मुझे ये दुख है कहते हुए कि हिंदू मुसलमान का पहला दंगा 1897 में अंग्रेजों ने कराया, वो इस नीति के तहत कराया ताकि ये हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाएं और इस देश की गाय कटती रहे और अंग्रेजों का शासन सुरक्षित रहे। लैंसडाउन वो खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था जिसने हिंदू मुसलमानों को लड़वाया और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बरगलाया। ये लैंसडाउन ने कुछ टीम बना रखी थी, आपको सुन के लगेगा कि कितना घृणित आदमी था वो। उसकी टीम के लोग जाते थे और किसी मस्जिद के सामने रात को 2:30-3 बजे सुअर काट के डाल के चले आते थे, लैंसडाउन की टीम के लोग, और सवेरे हल्ला मचता था देखो हिंदुओं ने सुअर काट के मस्जिद में डाल दिया। फिर लैंसडाउन के लोग जाते थे और किसी मंदिर के सामने गाय को काट के छोड़ के चले आते थे और लैंसडाउन के कर्मचारी प्रचार करते थे देखो मुसलमानों ने गाय को काट दिया। इस तरीके से दंगा भड़काया और 1897 में जो दंगा भड़का इस देश में, वो दंगा भड़कते भड़कते 1905 तक इतना खतरनाक हो गया कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के आधार पर देश का विभाजन करने का तय कर लिया और बंगाल राज्य को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। जिस अंग्रेज अधिकारी लैंसडाउन ने यह विष का बीज बोया हिंदू और मुसलमानों में, उस लैंसडाउन के नाम से इस उत्तराखंड में एक पूरा शहर बसा हुआ है, एक नगर बसा हुआ है, उसका नाम लैंसडाउन है।
आत्मा को दुख होता है, कष्ट होता है, क्रोध आता है कि लेंसडाउन ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, गाय का मांस अंग्रेजों को खाने को मिलता रहे, इसके लिए गाय का कत्ल करने के लिए कत्ल खाने चालू करवा के रखे, उस लेंसडाउन का नाम हम क्यों लें और उसके नाम पर कोई शहर का नाम क्यों बने। मैं अपील करना चाहता हूं लेंसडाउन की नगर पालिका से, लेंसडाउन की नगर परिषद से, मैं अपील करना चाहता हूं उत्तराखंड के सरकार के मुख्यमंत्री से, उत्तराखंड की सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो ये लेंसडाउन नाम के कलंक को, इस पाप को उत्तराखंड से जितनी जल्दी मिटा दिया जाए उतना अच्छा है।